स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल भारतीय स्वदेशी चिकित्सा पे। इस चैनल पर हम राजीव दीक्षित जी द्वारा दिए गए आयुर्वेदिक इलाज उपचार बताते हैं। उपचार और इलाज राजीव दीक्षित जी के ही हैं, केवल आवाज हमारी है। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ऐसे 6 कारणों की जिसकी वजह से बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं, और हम बात करने जा रहे हैं लड़कों के बाल जल्दी क्यों झड़ जाते हैं। इन दिनों लड़कों में बाल झड़ने की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा देखी जा रही है। इसकी सबसे बड़ी वजह एस्ट्रोजेनेटिक एलोपिका यानी मेल पैटर्न बोल्डनेस है, जो लड़कों में पाए जाने वाले DTH हार्मोन का बैलेंस बिगड़ने के कारण होती है। इस प्रॉब्लम में होता क्या है, इसमें लड़कों के सर के एक हिस्से के बाल तेजी से निकलने शुरू हो जाते हैं। एक स्टडी के अनुसार 30% लड़कों में इस समस्या की शुरुआत 20 साल की उम्र से ही हो जाती है। एस्ट्रोजेनेटिक एलोपिका लड़कों में हेयर फॉल का अकेला कारण नहीं है। बॉम्बे हॉस्पिटल के जनरल फिजिशियन डॉक्टर मनीष जैन बताते हैं कि कुछ ऐसे ही अन्य कारण हैं जिनकी वजह से लड़कों में कम उम्र में बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं। पहला कारण है स्मोकिंग। कई लड़के कम उम्र में ही स्मोकिंग करने लगते हैं। इसके कारण ब्लड नर्व्स सिकुड़ने लगती हैं और इससे बॉडी का ऑक्सीजन लेवल भी कम हो जाता है, जिससे बालों को नुकसान पहुंचता है। दूसरा कारण है अनहेल्दी डाइट। ज्यादातर लड़के डाइट में न्यूट्रिशन की सही मात्रा पर ध्यान नहीं देते। इससे बॉडी में आयरन, प्रोटीन, कैल्शियम जैसे न्यूट्रिएंट्स कम हो जाते हैं और इन कमियों के चलते उनके बाल झड़ने लगते हैं। दोस्तों, जानते हैं तीसरा कारण बाल झड़ने का, जो कि है फैमिली हिस्ट्री। गंजेपन के लिए जेनेटिक्स भी जिम्मेदार हो सकते हैं। यदि आपके फैमिली में कम उम्र में लड़कों के बाल झड़ने की हिस्ट्री रही हो तो आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। चौथा कारण है शराब का सेवन करना। कई लड़के कम उम्र में ही ज्यादा शराब पीने लगते हैं। इसके कारण बॉडी में टॉक्सिन्स बढ़ने लगते हैं, साथ ही आयरन, जिंक और पानी की कमी भी हो जाती है। ऐसे में बाल झड़ने लगते हैं। जानते हैं पांचवा कारण, जो कि है स्ट्रेस। आमतौर पर लड़के अपनी प्रॉब्लम्स किसी से शेयर नहीं करते और ऐसी सूरत में उन्हें स्ट्रेस होने लगता है और धीरे धीरे बढ़ने लगता है और बॉडी में हार्मोन्स का बैलेंस बिगड़ने लगता है, तो स्ट्रेस के कारण भी बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं। छठा कारण है केमिकल्स का असर। लड़कों के हेयर जेल, कलर, शैम्पू और कंडीशनर का ज्यादा यूज करने के कारण, इनमें मौजूद केमिकल के साइड इफेक्ट्स के कारण भी बाल झड़ने लगते हैं। जैसा कि हमने देखा, डॉक्टर साहब ने स्वयं बताए ये 6 कारण और हमने उन्हीं को आपके सामने रखा है। अब बारी आती है कि इस प्रॉब्लम को दूर कैसे किया जाए। जैसे 6 कारण हैं बाल झड़ने के, उसी तरह 6 कारण हैं इस प्रॉब्लम से मुक्ति पाने के भी। इसका पहला इलाज है प्याज और नींबू का रस। सिर पर जगह जगह गंजेपन से पैचेस बन जाते हैं, तो इस पर रोज बराबर मात्रा में प्याज और नींबू का रस मिलाकर लगाएं और आधे घंटे बाद सर को धो लें। इससे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। दूसरी टिप है मेथी दाना। थोड़े से पानी में 1 चम्मच मेथी दाना डालकर रात भर भिगो दें। सुबह इस पानी को उबालें और ठंडा करके सर धो लें। आइए जानते हैं तीसरा टिप, नीम और आंवला। नीम की पत्तियों को और आंवले को पानी में उबाल लें। इस पानी को ठंडा करके सर धोएं। हफ्ते में 2 बार यह उपाय कर सकते हैं। आइए जानते हैं चौथा उपाय, जो कि है ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल गुनगुना करके इसमें 1 चम्मच शहद और थोड़ी सी दालचीनी का पाउडर मिलाकर बालों की जड़ों में लगाएं और इसे 15 मिनट के बाद धो लें। आइए जानते हैं छठा और आखिरी उपाय बालों को झड़ने से रोकने के लिए, जो कि है दही और कढ़ी पत्ते। थोड़े से दही में 2 चम्मच कढ़ी पत्ते का पेस्ट मिलाकर बालों में लगाएं और इसे आधे घंटे तक बालों में लगा रहने दें और फिर बालों को ठंडे पानी से धो लें। ठंडे पानी से हमारा मतलब है कि ऐसा पानी जो बहुत तेज गर्म ना हो,
ज्यादा तेज गर्म पानी से बालों का झड़ना अधिक हो जाता है, इसलिए पानी का तापमान नॉर्मल होना चाहिए। दोस्तों तो ये था आज का वीडियो बालों को झड़ने से बचाने के लिए। उम्मीद है आपको ये टिप्स और उपाय अच्छे लग रहे होंगे और आप अपने जीवन में भी इन्हें उतार रहे होंगे। आज की वीडियो में इतना ही। नमस्कार।